हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मेरे पीछे एक्साइटमेंट देख रहे हो, ये भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अभी मायापुरी से निकल रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है एक आउटलेट पे। तो मैं मारुति सुजुकी के अरीना के आउटलेट में यहाँ पे रुका। बाय द वे, आउटलेट का नाम है डीडी मोटर्स और ये एक्चुअली काफी बड़ा आउटलेट मुझे रियलाइज हुआ। एक्सपीरियंस मेरा काफी सही था क्योंकि लोग यहाँ पर काफी गैदर थे। अभी तो काफी छीड़ हो गई है, यानी कि लोग जो है वो एक्सपीरियंस करके निकल लिए हैं, लेकिन जब मैं आया था काफी भीड़ थी दोस्तों। एनीवे, डीडी मोटर्स जो है वो 5 आउटलेट्स दिल्ली में रखते हैं। तो जस्ट इन केस यू वांट टू हैव अ टेस्ट ड्राइव, अमेजिंग सी टेस्ट ड्राइव आप प्लान कर सकते हो किसी भी अरीना के प्रोडक्ट की। और आपको ब्रेजा के बारे में बताता रहूँगा, कुछ टेस्टिमोनियल देता रहूँगा। डीडी मोटर्स के पास में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस प्रोफाइल का और तकरीबन नॉर्थ इंडिया में वो 25 लोकेशंस में सर्व करते हैं। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट और आज जो है वो जानते हैं एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है लोगों के अंदर ब्रेजा को लेके, वो जरा चेक करते हैं। अनिल सर, मुझे ये बताओ कि गाड़ी के अंदर स्पेस कैसी लग रही है? आप ठीक लग रही है, स्पेस अच्छी लगी है। हाँ। हेडरूम ठीक है, अच्छा है, अच्छा। और अंडर थाई सपोर्ट ये भी ठीक है, अच्छी है। आप बुक कर रहे हो? कर रखी है, कर रही हुई है। हाँ। आज देखने के लिए आए हो? हाँ। चलो गुड लक सर। ओके मनोज सर, आपको हेड अप डिस्प्ले कैसी लगी इसकी? ड्रास्टिक, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, हमें तो इसका जो डैशबोर्ड है, सारा जो फ्रंट लुक है ना इसका, जो अंदर का, हम तो वेट कर रहे थे कि ब्रेज अगर मॉडिफाइड आएगी तो ही लेंगे। जो पहली ब्रेज थी हमें उतने अच्छा नहीं लगा था, इसको देख के हम फैन है। मतलब बहुत बार देख चुके हैं हम इसके, और अभी हम फिजिकल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी गाड़ी। और गाइस, वी आर विद मिस्टर हेमंत राइट नाउ और इन्होंने अपनी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी 2 महीने पहले की है। सर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस और गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन कैसे रहे, आप मुझे बताओ। कह रहा हूँ इट्स गुड, नाइस, सुपर्ब, ऑसम, जो भी कहूँ सब मारुति हैज डन इज बेस्ट, बेस्ट एज ऑलवेज, एज ऑलवेज। सो यू आर ऑलरेडी अ प्राउड कस्टमर ऑफ मारुति सुजुकी पहले से, सिंस मारुति 800। अच्छा, 83। मारुति हैज डन इज बेस्ट, बेस्ट कार एट दिस प्राइस, मच अवेटेड कार। आपको क्या अच्छा लगा इस गाड़ी के? कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं नहीं कह सकता। अच्छा, सब इंटीरियर्स आर गुड। जो थोड़ा सा इंटीरियर्स में पहले कहा जाता था वो अब बहुत 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 इंप्रूव कर दिए गए। प्रीमियम लगा, इंटीरियर्स आर 360 कैमरा इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। और जो हेड अप डिस्प्ले आती है वो निकलती है आगे से, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल में। वो भी तो आपने कौन सा वेरिएंट बाय द वे बुक किए? आई वांट टू गो फॉर ZXi ओनली। ऑटोमेटिक, मैनुअल? मैनुअल, सो ही इज अ मैनुअल गाय। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं वो भी पार्थ के साथ में, एंड ये मिलेनियल है ना, तो परफेक्ट मिलेनियल है। तो आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ब्रेजा में क्या अच्छा लगा? जैसे पहले है ना, जो लेग स्पेस था ना आगे, वो ना थोड़ा डिफर करता है। मेरी 6 feet है, तो मेरे को है ना नी स्पेस में बहुत इश्यूज आते थे, तो उसके अंदर तो इन्होंने पूरा परफेक्ट फ्लो दे दिया आगे। अच्छा। और जो बैक स्पेस था, तो पीछे फ्रंट सीट वाला, उसमें जो कम्फी सीट्स हैं, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड। जैसे पहले जो अलॉय थे ना पूरे से सिंपल सिंपल से थे, तो इस बार इन्होंने जो डायगनल अलॉय दिए हैं, पूरे लुक बदल रहे हैं उसके। अच्छा, चलो अमेजिंग, अच्छा लगा पार्थ आपसे बात करके। तो बुक करा रहे हो गाड़ी? अरे बिल्कुल, आई इस ले। भाई आप ये बताओ मेरे को, गाड़ी के अंदर अच्छा क्या लगा? इसका इसके लुक्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ। कैसे? इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है और टेल लाइट भी अच्छी लगी। देखो इसकी हेडलाइट में ना 2 प्रोजेक्टर है जो इसके सेगमेंट में किसी में नहीं ऑफर होते, पता है ना ये बात। और LED सेटअप भी आ गया है। कैसी लग रही है अभी हेडलाइट? पहले से अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। तो बुक करा रहे हो आज? यस, करा रखी है मैं। अच्छा, आपने बुक कराई हुई है? बुक करा रखी है। कितने दिन पहले आपने बुक कराई सर? जब से आया ना 10 दिन हो गए। अच्छा, और कौन सा वेरिएंट करा रहे हो आप? ZXi ना, वो भी काफी वैल्यू फॉर मनी है। ZXi लेंगे या ZXi लेंगे? अच्छा, मैनुअल या ऑटोमेटिक? मैनुअल, ऑटोमेटिक, मैनुअल लेंगे। अच्छा, लेकिन हमें वो पसंद है 360 का कैमरा, वो हमें जरूरी चाहिए। अच्छा, पार्किंग के लिए वो सही रहता है। अरे अमेजिंग सर, ये बच्चे के लिए सनरूफ चाहिए इसको। सनरूफ इस बार आ गई है बाय द वे। हां, सनरूफ। तो ये पहली गाड़ी होगी सुजुकी में जिसमें सनरूफ आएगी। सनरूफ वाला भी
इंटरेस्ट, बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है थंडर रूम वाली में। ठीक है, लेकिन ज्यादा झांकना नहीं है बाहर, ठीक है, केवल जब ऐसा मौसम हो बाहर, अच्छा ठंडा मौसम हो, तभी निकलना है। ठीक है, चलो सर, गुड लक, गुड लक भाई। मैम, आपको क्या अच्छा लगा इसमें? टचस्क्रीन, करेक्ट, डिस्प्ले। अच्छा, वो आप चलाते हो, ड्राइव करते हो? बाय द वे, आपके हस्बैंड ड्राइव करते हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? ही इज द ओनली गाय जो ड्राइव करता है। एवरीवन ड्राइव्स। अच्छा अच्छा, तो सीट्स मेरे ख्याल में आपके लिए फिर परफेक्ट रहने वाली है। एम्पल ऑफ लेग स्पेस है। सो हमारे साथ में मोहित है फाइनली, और मोहित आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि रियर में आप बैठे हो और क्या परफेक्ट फैमिली कार लग रही है आपको? सही है, काफी लेग स्पेस है इसमें, बहुत सही है। सीट भी पीछे की एडजस्टेबल है, ये वाली भी एडजस्टेबल है। पिछले वाली में इतनी लेग स्पेस होती थी बट वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। सीट का मटेरियल भी चेंज हुआ है तो उसकी वजह से कंफर्ट बहुत इंक्रीज हुआ है। चारों के लिए स्पेस काफी एम्पल है। अब एसी इवेंट्स भी आ गए हैं, एसी इवेंट्स भी अब आ चुके हैं, पहले नहीं होते थे। आई थिंक हर मॉडल में है अब, तो ये भी एक सही चीज है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी अब आ चुकी है। फीचर्स के हिसाब से बहुत इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, तो इस प्राइस रेंज में काफी सही। और मेहुल का क्या कहना है? जैसे एसी इवेंट्स तो लग गए हैं, और एसी इवेंट्स के नीचे चार्जर भी दिया गया, अभी दो फास्ट चार्जर दिए जो काफी नेसेसिटी है आजकल, तो फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो चार्जर भी बहुत सही यूसेज है, और बाकी एसी की वजह से भी काफी ठंडा होता है। चलो, बुक करा रहे हो फिर आज? बुक अभी देखते हैं, अभी देखना है तो पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे फिर बुक कराएंगे। गुड लक। सो मेरे साथ में मिस्टर अजय, और इन्होंने अपनी ड्रीम कार यहाँ पे बुक कराई है। ही विल बी ओनिंग एलेक्साई, और ब्रेजा का एलेक्साई ओन करने के बाद में सर कैसा फील हो रहा है आपको, ये बताइए? बहुत एक्साइटेड था मैं तो, इवन अभी गुड़गांव से जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ कि मैं देखना चाहता था एलेक्साई न्यू मॉडल कैसा है। तो यहाँ पे आके मैं राजीव जी से पहले बुकिंग कर चुका था, लगभग 20-30 दिन हुए हैं। तो इसके जो फीचर्स है, इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऑनलाइन ही सारा ऑनलाइन पेमेंट हो गया और बुकिंग भी ऑनलाइन हो गई, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब मैं एक्साइटेड हूँ कि ये लोग कब डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा, सो इसके फीचर्स वगैरह जो मैंने एलेक्साई बुक किया हुआ है, और फीचर्स जो मुझे बेसिक चाहिए थी वही चाहिए अभी फ़िलहाल तो मुझे, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये कब गाड़ी मुझे मिल रही है। तो अजय जी, मुझे ये बताओ कि डीडी मोटर से आप कितना सेटिस्फाइड हो, क्या डिलाइटेड फील कर रहे हो? बहुत सीरियसली, इन लोगों ने काफ़ी कॉपरेट किया, और अभी राजीव जी ने मेरे को इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन भी दी है, अच्छे से इन्होंने बताया भी, काफ़ी हेल्पफुल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू डीडी मोटर। नागर सर, आप जी सर, ये बताइए कि आपको इस गाड़ी में क्या बढ़िया लगा? इस गाड़ी में ये बढ़िया लगा, जरा मस्कुलर सी और ऐसे स्पोर्टी लुक जैसी मजबूत गाड़ी है, जरा इसकी मजबूती जो है ना, इसकी जो स्टाइल स्पोर्टी लुक ये अच्छी लगी, और रफ टफ है, और मारुति का बिल्ला है इसके ऊपर और जो मारुति का बिल्ला है वो ऐसा लगता है जैसे एक खानदानी गाड़ी होती है ना, जो वो इसकी ये चीज़ें अच्छी लगी। ओके, और वैसे मैं 15 साल से यही गाड़ी चला रहा हूँ, मारुति की ही। मारुति की गाड़ी, तो प्राउड ओनर है आप मारुति के? पहले जी जी जी। सबसे पहली गाड़ी कौन सी ली आपने? मैंने वैगनार ली थी, फिर उसके बाद बलिनो ली है, अब फाइनली ब्रेजा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बुकिंग कराई कि नहीं? करा दीजिए, बुकिंग करा दी। चलिए, गुड लक सर। सो दोस्तों, लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, देखो अगर आप चारों तरफ देखो, और गाड़ी के इंजन बे से लेके बूट, और अगर आप रियर रो देखो, फर्स्ट रो देखो, सब जगह आपको कोई ना कोई गाड़ी को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ जाएगा। हम चलते हैं फिलहाल इसके इंजन को चेक करते हैं कि कैसा इसका इंजन दिया गया है। इंजन का तो परफॉर्मेंस जब चलाएंगे जब पता लगेगा कैसा है। वैसे आपने इंटरनेट पे पढ़े हैं तो कैसे पावर फिगर्स लगे? ठीक, अच्छा लगा है। ऑटोमेटिक प्लान कर रहे हो या मैनुअल? ऑटो, ऑटोमेटिक। चलिए, अब तो ऑटोमेटिक भी रियल ऑटोमेटिक है इसमें, सिक्स स्पीड एएमटी नहीं है, अब एएमटी नहीं है, तो ये फाइनली अच्छी चीज़ है आपके लिए। बिल्कुल, चलिए गुड लक सर। दोस्तों, जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम उत्तराखंड, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके देहरादून या उत्तरकाशी या फिर तिहरी वाले आउटलेट पे रीच आउट कर सकते हैं। डीडी मोटर्स इज एक्चुअली प्रेजेंट इन 3 एरिया जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, चेक आउट देम। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम लोग विटारा ब्रेजा के अंदर। हालांकि मैंने ZXi वेरिएंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है सुजुकी के इवेंट पे, बट ये चीज़ कुछ ऐसी है जो सुजुकी ने पहली बार लेके आए। दिस इज कॉल्ड सनरूफ, ये इंडियंस की सबसे फेवरेट चीज़ है।
दोस्तों इसके अलावा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी के अंदर वो है ये 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इसके अंदर जो है वो 40 प्लस कनेक्टेड फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। बिल्कुल नया आपको जो है वो इंटरफेस यूज़र इंटरफेस देखने को नजर आएगा, बहुत ही कमाल का लग रहा है। दोस्तों ये देखिए हेडअप डिस्प्ले अब फिलहाल आ चुकी है, तो आप जितनी भी स्पीड है, टेकोमीटर है या नेविगेशन है या आपने जितनी भी डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं वो भी आपको यहीं पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। ये कमाल की चीज़ है बाय द वे, और ये बलिनो में भी दिया गया था, अभी इसके अंदर भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। दोस्तों मैं कस्टमर की एंड फॉकिन जितने भी आए हैं उन लोगों की रिव्यूज़ देख रहा हूँ ना, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को सबके इंटरेक्शंस देख देख के, और फर्स्ट इंप्रेशन जैसे भी आ रहे हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं यार। किसी को इंजन पसंद है, कोई इसके रियर के एसी वेंट्स की बात कर रहा है, एंड कुछ लोग जो हैं वो कनेक्टेड फीचर्स के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि मारुति सुजुकी ने इस बार लोअर वेरिएंट में यानी कि एलेक्साई वेरिएंट में भी सेफ्टी का प्रावधान रखा है, रियर एसी वेंट्स का प्रावधान रखा है। ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो टॉप नॉच कहीं ना कहीं क्लास लीडिंग नज़र आती हैं फिलहाल, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही जब आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जैसे कि आप हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल या आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में रखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ब्रेसा जो है वो एक ऐसी सेगमेंट में प्लेस होती हुई नज़र आ रही है जो ना केवल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बट कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी टारगेट करते हुए नजर आएगी। फॉर द टैकी फीचर्स इट हैज़ बीन ऑफर्ड विद, फॉर द इंजन ऑप्शंस एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस इट हैज़ बीन ऑफर्ड विद। सो वो लोग जो एक्चुअली कॉम्पैक्ट एसयूवी प्लान कर रहे थे दे कैन एक्चुअली गो विद ब्रेसास टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट, और बाकी एक्साइटमेंट तो यहाँ पर बनी रहेगी। हम दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक क्या कीजिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग योर न्यू कार, योर न्यू मारुति कार, यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट डीडी मोटर्स हेयर। आपको सभी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी रनिंग नज़र आएगी, ना केवल दिल्ली बट उत्तराखंड के जितने भी डीलर नंबर्स हैं डीडी मोटर्स के उनके भी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Don't you cry.